प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन 100 साल की हो रही हैं, मोदी उनसे मिलने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 18 जून को जन्मदिन है। इस साल 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी की मां 100 साल की होने वाली है। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी मां से मिलने अहमदाबाद जाएंगे। इससे पहले यूपी चुनाव जीतने के बाद मोदी जब गुजरात दौरे पर गए तब उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की थी। मार्च में हुई इस मुलाकात से पहले मोदी 2019 के अक्टूबर में मां हीराबेन से मिले थे। इस दौरान कई बार वो गुजरात तो गए लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के चलते मां से मिल नहीं पाए। मोदी जब भी मां से मिलते हैं तो साथ खाना खाने से लेकर आशीर्वाद लेने तक की तस्वीरें सामने आती हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस सुबह से पूछताछ कर रही है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पंजाब की पुलिस सुबह सुबह ही मानसा पहुंच गई थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिनों की रिमांड में भेजा गया है। अब पंजाब की पुलिस खरड़ के CIE दफ्तर में उससे पूछताछ कर रही है। यहीं से ABP न्यूज के रिपोर्टर मनोज वर्मा पल पल की जानकारी दे रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब लॉरेंस बिश्नोई से लिए जाएंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से गैंग मेंबर्स हैं जो उसके गैंग में शामिल है और किसके जरिए और कैसे इस पूरे हत्याकांड को उसने अंजाम दिलवाया। लॉरेंस बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है। पिछले महीने मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस के करीबी ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है लेकिन हत्या की गुत्थी अब भी अनसुलझी है। कश्मीर में अब टारगेट किलिंग करने वाले ही टारगेट बन गए हैं। टारगेट किलिंग मामले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर में बहे खून का बदला पूरा, टारगेट किलर का काम हुआ तमाम। कश्मीर में टारगेट किलिंग करने वालों के हिसाब किताब का काम जारी है। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें बैंक मैनेजर विजय कुमार का हत्यारा जान मोहम्मद लोन भी था। दूसरे आतंकी की पहचान तोफैल अहमद गनी के तौर पर हुई है। अटैक करने के बाद ये अटैक मिसिंग हो गया, घर से एक्टिव हो गया, तब से उसके पीछे हम लगे हुए थे। दोनों लश्कर तैयार के टेरिस्ट मारे गए, जिसमें जो जॉन मोहम्मद लोन है, दूसरा तोफिल गनी है। दक्षिण कश्मीर के ही कुलगाम जिले में कल से एनकाउंटर जारी है, जिसमें कुलगाम के ही 2 आतंकी घिरे बताए जा रहे हैं। बड़ी बात ये कि घिरे हुए आतंकियों में टीचर रजनी वाला का हत्यारा भी शामिल है। और दोनों HM आउटफिट से ये वही दोनों टेररिस्ट हैं जो कि हमारे एक टीचर जो थी रजनी वाला पर अटैक किया था, बाइक से दोनों आया था, पिस्टल फायर किया था। कश्मीर में टारगेट किलिंग की दहशत फैलाने वाले आतंकियों का हिसाब किताब तेजी से किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 106 आतंकियों को मार गिराया है। आपने बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन तो कई बार देखा होगा लेकिन अब रोजगार के ऐलान पर भी विरोध हो रहा है। कहीं सड़कों पर युवाओं का हुजूम है, कहीं टायर जलाकर विरोध किया जा रहा है तो कहीं रेल पटरी पर प्रदर्शन हो रहा है। युवाओं का ये प्रदर्शन रोजगार के लिए नहीं बल्कि सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध में है। केंद्र सरकार ने कल ही सेना में 4 साल के लिए भर्ती का ऐलान किया था, जिसके विरोध में बिहार के कई जिलों में आज छात्र सड़कों पर उतर गए। बक्सर में ट्रेनों पर पथराव की भी खबर है। 5 साल विधायक ही करने को मिलता है, हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे, न पेंशन है न कुछ है। हम लोग जो 2 साल से फिजिकल लिखा के बैठे हुए उसका एग्जाम कीजिए, कैंसिल मत कीजिए एग्जाम। छात्रों की मांग है कि सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया ही लागू की जाए। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है लेकिन हालात अभी से ही बिगड़ गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे बने हालात की ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी से आई हैं। यहां 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बारिश के बीच मजबूरी ऐसी है कि लोगों को घुटने तक भरे पानी के बीच भी जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है।
भारी बारिश की वजह से गुवाहाटी में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं आई। हाल इस कदर बेहाल है कि बाहर बारिश के पानी से जलजमाव है तो घर के अंदर बिना बिजली के जीना मुहाल लग रहा है। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने असम और मेघालय के लिए 17 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर अब मुंबई से। मुंबई में समंदर में नहाते समय 3 बच्चे डूब गए, अब तक एक का शव मिला है। समंदर में डूबे बच्चों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तस्वीरें मुंबई के मशहूर जुहू चौपाटी की है। मंगलवार की दोपहर को समंदर की लहरों में नहाते वक्त 3 बच्चे बह गए। आज सुबह एक का शव बरामद किया गया है, जबकि 2 बच्चों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब डूबे बच्चों का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर प्राइवेट लाइफगार्ड्स को तैनात किया गया है, साथ ही साथ मुंबई फायर ब्रिगेड के जवान भी जगह जगह पर तैनात हैं और मछुआरों को भी सूचना दी गई है कि अगर उन्हें समुद्र के किनारे किसी बच्चे का शरीर दिखे या फिर कोई हिस्सा दिखे तो उसकी सूचना दें या उस बच्चे को तुरंत समुद्र से बाहर निकालें। समंदर में डूबे बच्चों की उम्र 16 से 21 साल के बीच की है, जिनमें से 2 सगे भाई हैं। ABP News आपको रखे आगे।